जो भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, वो मेरे इसी बैठक में आए थे और करीबन 6 बार प्रयास करके उन्होंने मुझसे समय लिया और बहुत अनुरोध के बाद मैंने उनका ये पद स्वीकार किया कि आप संगठन के व्यक्ति हैं, मेरा संगठन ठीक से आप चला लेंगे। उसके बाद उन्होंने पदों की खरीद फरोख बिक्री शुरू कर दी और माफियाओं को शामिल करना शुरू कर दिया। मैंने जैसे जैसे संगठन को आगे बढ़ाया, संगठन का ग्राफ आगे बढ़ा, तो उन्होंने पैसे लेके आंदोलन करना शुरू कर दिया और आगरा में एक कुख्यात अपराधी है, उसके फेवर में आंदोलन करने के लिए 2 लाख रुपए लिए। यहाँ एक प्रधान है, उसको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया संगठन का, उससे पैसे की वसूली की, जो कि मैंने अभी प्रेस वार्ता में लोगों को सुनवाई। मैनपुरी में हमारे यहाँ कई पदाधिकारी बनाए गए जिनसे पैसा लिया गया। मैनपुरी प्रभारी का बयान आप लोगों ने अभी सुना, मैंने आपको सुनवाया था। क्या आगे की आपकी रणनीति, क्या करना चाहते हैं? नहीं, पहले तो रणनीति ये है कि मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था और कोई भी जो उन्होंने आरोप लगाए, ये आरोप मेरे निष्कासन की जो कार्रवाई फर्जी इन्होंने तथाकथित की है उसके बाद लगाए हैं। पहले जो उन्होंने आरोप लगाए, मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनाई आपको, उनसे बातचीत की और उनका पत्र भी आप लोग देख चुके हैं, उसमें आरोप ये था कि मैं 3 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहा, जबकि वो किसी भी बैठक का होना ना साबित कर पाए, ना ही किसी बैठक का कोई एजेंडा कभी हुआ।